रानी प्रभावती उच्च विद्यालय के छात्र छात्रा पानी में चलने पर हैं मजबूर। संग्रामपुर मुंगेर से रोहित कुमार की रिपोर्ट। जहां एक ओर बिहार सरकार के द्वारा सात निश्चय योजना को लेकर कई तरह के वादे करे जा रहे हैं, लेकिन यह वादा खोखले साबित होते नजर आ रहे हैं, जिनका जीता जागता सबूत मुंगेर जिले के संग्रामपुर प्रखंड के रानी प्रभावती उच्च विद्यालय के गेट पर देखा जा रहा है। वहीं बताते चलें कि संग्रामपुर प्रखंड मुख्यालय से सटे एकमात्र उच्च विद्यालय, जहां पर कि भारत की आज़ादी मिलने के पूर्व यहां पर अंग्रेजों का हुकूमत था, जहां पर कि आज विद्यालय में वह परिवर्तन हो गया। कुछ लोगों का कहना है कि रानी प्रभावती उच्च विद्यालय 56 कोटली 53 दरवाजा हैं, यहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा राज किया जाता था। यहाँ पर रानी प्रभावती नाम की रानी और राजा हुमायूं रहते थे। इस विद्यालय में लगभग 1000 से अधिक विद्यार्थी का नामांकन है। यहाँ पर हर रोज पढ़ाई होती है, लेकिन विद्यालय के आगे घुटने भर से अधिक पानी सड़क पर रहने के कारण विद्यालय के छात्र छात्राओं एवं अन्य लोगों पर पानी में घुसकर आना जाना पड़ता है। वहीं पर दो घरों में नियमित रूप से पानी घुस जाता है। यह सात निश्चय योजना का हाल यहाँ के पंचायत प्रतिनिधि, विधानसभा के प्रतिनिधि एवं लोकसभा के प्रतिनिधि का कोई ध्यान नहीं है। यहाँ के ग्रामीण राकेश कुमार, सुकेश कुमार एवं अन्य लोगों के द्वारा यह बताया गया कि कई बार इसको लेकर के स्थानीय विधायक, मुखिया एवं सांसद को इस योजना के बारे में अवगत कराया गया, पर किसी ने इस कार्य को करवाना जरूरी नहीं समझा। अब देखने वाली बात यह होगी कि रेंकर गांव के लोग एवं स्कूल के छात्र छात्रा पानी में कब तक जाते रहते हैं, या फिर पानी में आने जाने से निजात मिलती है या नहीं। धन्यवाद। चौक को एक नंबर से दो नंबर में वोटर लिस्ट द्वारा कर दिया गया, और उसके बाद फिर जब योजना का लाभ मिल गया तो उसके बाद फिर इनको एक नंबर में भेज दिया गया। तो इसमें क्या बीएलओ सोया हुआ था? तो इस प्रकार का यहाँ का मतलब कि जो सरकारी कार्यभार है, क्या क्या हुआ था, क्या परेशानी हुआ था जो बताए थे परिवर्तन किया गया था? जैसे कि जिस समय इस रोड की ढलाई का कार्य हो रहा था जी, तो एक नंबर वार्ड में ये पड़ता है, लेकिन ढलाई का पैसा उठाने के लिए इन लोग को दो नंबर में डाल दिया गया वोटर लिस्ट में, और उसके बाद जब पुनः उसका पैसा उठ गया तो फिर इन लोग बहुत मेहनत करके ये लोग दो नंबर में आए। खबर लीजिए, आगे बोलिए। और जो नज़ारे आप देख रहे हैं इसी का प्रकोप है, एक नंबर से दो नंबर और दो नंबर से एक नंबर, ये सिर्फ पैसा उठाने के लिए इन लोगों को एक नंबर से दो नंबर में किया गया था। तो क्या लगता है आपको, ये रोड बनेगा या ऐसे ही रह जाएगा हमेशा? इसी तरह से जैसे बॉर्डर नहीं है बिहार झारखंड का, उसी तरह से बिहार और झारखंड बन गया है। अच्छा, समझ लीजिए कि इसी तरह से रहे। प्रतिनिधि आते हैं कभी ध्यान देने के लिए? प्रतिनिधि तो इलेक्शन के टाइम में आते हैं और बड़े बड़े भाषण दे के चले जाते हैं, चले जाते हैं, और उसके बाद तो फिर कुछ उसको लेना देना है नहीं। तो ऐसे प्रतिनिधि को अगला बार क्या कीजिएगा, मतदान दीजिएगा जी? मतदान तो सोच समझ के ही दिया जाएगा ना, क्योंकि वादा के वादा से मुकर गए हैं। मुकर गए हैं। कौन सा जगह है ये? है रायगढ़ रानी प्रभावती उच्च विद्यालय हाई स्कूल। कौन से प्रखंड में? सामने। कौन से प्रखंड में आते हैं ये? संग्रामपुर प्रखंड में आते हैं। क्या नाम है आपका? सुकेश दास।